Hey guys, this is Preeti and welcome back to your channel Shotwell. So guys, हम अभी तक कर चुके हैं 4.2, आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3, completing square. सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है completing square. उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab और a minus b होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये दो फॉर्मूले आपको याद होंगे, इन्हीं से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे. हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसको मुझे कंप्लीट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, यानी x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. तो आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. सबसे पहला जो हमारा एक्शन होगा, सबसे पहले हम जो करेंगे वो होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. तो यहां पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ है 2, तो हम डिवाइड करेंगे. जब मैं 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नेक्स्ट में आएगा 7/2 और ये बनेगा 3/2 इक्वल टू 0. सबसे पहले हम ये करेंगे, पहला स्टेप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास बना एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2. उसके बाद मुझे दिख रहा है हमारे पास क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहां पर एक्स के साथ ए स्क्वायर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर. क्या मिसिंग है, बी स्क्वायर मिसिंग है. 2ab यानी कि 2 और ab, x तो है ही मेरे पास, a है, b और 2 कैसे बनाएंगे हम. इस एक्स स्क्वायर में मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगी, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर. यहां पर देखो आपके पास है, आना चाहिए 2ab, a तो है, 2ab मुझे चाहिए. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 चाहिए. तो हमने ऊपर क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करती हूं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस 2 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये x एज इट इज रहा, प्लस 3/2 भी एज इट इज इक्वल टू 0. क्या किया हमने, मुझे क्या चाहिए, 2ab. तो 2 के लिए मैंने 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर मेरे पास आ गया 2 इंटू 7/4 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0. अब आप ये कंसीडर करो कि आपके पास 2ab दोनों आ गए हैं, एक्स स्क्वायर आ गया यानी ए स्क्वायर आ गया है और 2ab आ गया. अब आपको चाहिए बी स्क्वायर, तो बी आपका क्या बना, 7/2, ये आपका बी है, इसका स्क्वायर. नेक्स्ट में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 7/4x. अब हम क्या करेंगे, ये जो 7/4 है इसका स्क्वायर ऐड कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे, क्या किया हमने, मेरे पास जो ये 7/4 हमने 2ab हमने बनाया था, 2 भी मेरा फॉर्मूले का है, x मेरा a हो गया और b मेरा 7/4 बन गया, तो 7/4 का स्क्वायर मैंने ऐड भी कर लिया और माइनस भी कर दिया. ये हमारा मैथ्स का रूल बोलता है कि किसी नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो माइनस भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं, जिससे कि इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आती है. तो अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर से देखते हैं. यहां पर हमारे पास था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. फर्स्ट हम स्टेप करेंगे, जो x स्क्वायर के साथ कोफिशियंट है उससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, उसके बाद हमने बनाया 2ab. 2ab के लिए मैंने इस x के साथ जो भी टर्म्स है इसमें 2 ले लिया, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो 7/4 बन गया यहां पे. अब हमारे पास ये जो टर्म बनी ये बनी है 2ab,
तो 2ab में a तो हमारा x है, b क्या है 7/4, 7/4 का स्क्वायर मैंने ऐड भी करा और माइनस भी कर दिया, तो मेरे पास बना फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे, ये तो हमारे पास बना फॉर्मूला x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 16, तो ये हमारा बनेगा 49 प्लस 2 8 16 8 3 24 इक्वल टू 0। क्लियर? x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा आपका माइनस 9 माइनस 4 5 25 अपॉन में 16। इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये बनेगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 16। स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, तो ये बनेगा x माइनस 7 अंडर रूट 25 अपॉन 16। जब रूट लगता है और रूट से नंबर बाहर आते हैं तो हमारे पास ये बनेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव 5/4। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, और 16 का रूट 4, और रूट से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो प्लस और माइनस दोनों में आएगा, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब आप एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस साइन लोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। x इक्वल टू प्लस 5/4 और मैंने 7/4 को इस साइड लेके जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 और 5 प्लस 4 12, तो ये आपका आ गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। एक बार हम नेगेटिव लेंगे तो x माइनस 7/4 x इक्वल टू माइनस 5/4 और प्लस 7/4। जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई एक बार 3 और एक 1/2। तो इस तरीके से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर को करेंगे। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जैसे कि पहले हमने बताया था, फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशियंट से डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये 2 से कैंसिल भी हो सकता है, तो ये 2 बन गया। आगे देखेंगे, अब मेरे पास a तो है ही, x स्क्वायर है, 2ab बनाएंगे तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी। x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो x अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हमारे पास 2 है। अब ये है 2, a और b कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर इस तरह से आप लिख सकते हो, 1/4 का स्क्वायर 1/16 को ऐड करेंगे, 1/16 को माइनस करेंगे और 2 आपके पास ऑलरेडी है। ये आप क्या बना, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 1 माइनस 16 टू जा 32 और 16 इक्वल टू 0। तो ये बना आपका x प्लस, ये आपका x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 33 यहां से बनेगा, तो इधर आके आपका हो जाएगा पॉजिटिव 33 अपॉन में 16। जब आप स्क्वायर को हटाओगे, क्या देखो बहुत अंदर हो रहा है, जब आप इस स्क्वायर को हटाओगे तो यहां पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 33 और अपॉन में 16। ये बनेगा x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 4। ठीक है, आप एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो x इक्वल टू रूट 33 अपॉन 4
माइनस वन बाय फोर, तो ये आपका बनेगा रूट 33 माइनस वन अपॉन फोर, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। क्लियर? एक बार आपका आएगा x इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस वन अपॉन में फोर, यहां से आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा रूट 33 प्लस वन अपॉन फोर, ये आपकी वैल्यूज आ गई x की। क्लियर? तो आई होप आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं।